हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। 10-12 साल बच्ची का हेयर कटिंग कैसे आप घर पे सिंपल तरीके से कट कर लें और आसानी से, अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी, अगर आप घर पे कटिंग करना अपने बच्चों का चाहती हैं तो भी। तो इस तरीके से बालों को गीला करना है, टेंगल फ्री कर लेना है और जितना कटिंग करना है आपको निकालना है, एक्स्ट्रा हेयर उनको कट करके आप रिमूव कर दीजिए इस तरीके से, ताकि आपके हेयर जो हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, वो निकल जाएं और आपको शेप देने में आसानी होगी। तो बाल को कट करने के पहले जितने एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको कट करके आपको निकाल लेना है और इस तरीके से कोम करना है। कोम करने के बाद अपने हाथों के ग्रिप से आपको दबा करके जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके हेयर के जो कटिंग आएगी वो शेप बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी और आपके जो हेयर्स होते हैं वो इक्वल रहेंगे। आप सीधी मांग करके भी ऐसे एक बार चेकिंग करके कट करें और टेढ़ी मांग करके भी चेकिंग करें और फिर पूरी बाल को कोम करके पीछे लाएं। पीछे लाने के बाद भी आप इस तरीके से झार झार के चेकिंग करें। बाल को झारिए, कोम से खींच के लाइए और फिंगर से ग्रिप बनाइए और कट करिए। इससे आपके बाल बहुत ही इक्वल कटेंगे और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ ये कटिंग लुक आएगी। तो इससे क्या होता है, हमारे क्लाइंट काफ़ी खुश होते हैं, उनकी कटिंग बहुत ही नीट और क्लीन होती है। चाहे जिस तरह को अपने बाल को फोल्ड मतलब कोम करके झाड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जब भी आप काम करें, फिनिशिंग के साथ काम करें, और घर पे कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से काम करें ताकि आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी आए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो आप लोग को कैसा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी शेयर करिएगा। तो देख सकते हैं काफ़ी इक्वल कटिंग हुई और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अगर इसको लोअर ड्रा कर देंगे तो और अच्छा दिखेगा ये इसकी फिनिशिंग, पर मैं लोअर ड्रा नहीं कर रही हूँ, बस कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है पार्लर में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।